और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल, मेरे साथ सोनू भाई। कैसे हो गाइस? तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ट्रिप पे, ठीक है। पहले तो शिमला का प्लान था, बट शिमला में अगली बार जाएंगे, तो आज चलेंगे हिमाचल और कवर करेंगे कौन कौन सी जगह हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तीन जने हैं, मैं, सोनू और ये डोगी जा रहे हैं हमारे साथ। चलेगा भाई हमारे साथ? चल ले भाई, या ट्रिपली मार लेंगे, तेरा नहीं होएगा चलान। बोल, हाँ बोल भाई, तू बस भाई तू हाँ बोल, देख फिर। चल कोई बात नहीं भाई, आगे से ना आ जाइयो। तो यार चलेंगे, और पहले तो हम जाएंगे चक्की मोड़। सोनू कह रहा था क्या जाना कि भाई नॉर्मल जगह है, एक्चुअली हमें तो पता है, बट गारंटी नहीं है कि लोगों को भी पता हो, क्योंकि यार मैं भी लास्ट टाइम मैं एक ही बार गया हूँ लाइफ में, है तो बहुत पास जगह, बट आज आपको दिखाएंगे पहले चक्की मोड़, उसके बाद और भी जगह पर जाएंगे जो जो भी हमसे क्लियर हो, ठीक है। आपको दिखाएंगे पूरा टूरिज्म, दिखाएंगे आपको घर बैठे बैठे हिमाचल के पूरा टूर कराएंगे। ये रही हमारी पल्सर, ठीक है। आप सब पल्सर के फैन हो तो आपको पल्सर दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने हवा, पेट्रोल, दारू पानी सभी से पिला दिया, तो आज चलेगी हमारी बाइक, खिलारा पाएगी। तो आजकल भाई बाइक ने कल i20 को हराया, तो इस पर बहुत प्यार आ रहा है। i20 वाला भी बेचारा देखता रह गया भाई किससे पंगा ले लिया। तो चलेंगे आपको पूरा आज टूर देंगे, ठीक है। तो चलते आगे, और आप बोलोगे यार हिमाचल ही कुछ आता रहता है, तो यार सीधी सी बात है भाई, हम गरीब बंदे, ठीक है। इधर चंडीगढ़ के पास हिमाचल ही पड़ता है भाई, सीधी सी बात है। आप यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके लिए दूर दूर के टूर भी लेके आएंगे। और हमें इस टाइम सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में, ठीक है। तो लोग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सोनू और मैं यहीं पर मिलते हैं पहले तो, और अब यहाँ से जाएंगे हाईवे करके। हाईवे कहाँ से है भाई? यहाँ से राइट होके फिर लेफ्ट हो जाएंगे, मेन हाईवे आ जाएगा। तो चलो चलते आगे। तो अब चल रहे हैं, ये रहा सोनू भाई, तो चलाओ भाई बाइक। और वहाँ पर सामने लोग बाइक सीख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस कर लिया पिंजोर, बस पहुंचने वाले हैं हम तो चक्की मोड़ में है, वाटरफॉल है वहां पे चक्की मोड़ में, तो बस पहुंच ही गए। आपको दिखाएंगे अभी आगे का नज़ारा। तो गाइज अभी आपको दिखाएंगे एक सीक्रेट लोकेशन, ठीक है। यहां हम बहुत पहले भी आए थे और फोटोशूट के लिए मस्त है जगह। अब यहाँ थोड़ा इन्होंने कचरा कुचरा रख दिया, यहाँ पे लोगों ने बियर की बोतलें फोड़ दी। सुनो भाई इधर ही लगा दिया, मैं तो कह रहा अगे ना बोतलें है, टायर में ना लग जाए। तो ये आप कह सकते हो एक तरह की सीक्रेट लोकेशन है, इसका मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अभी चक्की मोड़ आया नहीं, अभी चक्की मोड़ थोड़ा सा आगे है, पर मैंने सोचा कि आपको जगह दिखा देते भाई। आड़ी भी यार इधर ना पहले ठीक था, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, पर अब लोगों ने ना इधर बोतलें फोड़ी हुई है बियर की, अब यार नाश मार दी जगह का। तो यार वो चीज़ गलत है यार, पहले इतनी सही जगह थी ना, मेरे पास फोटो ही पड़ी, आपको फोटो दिखाया था, ऐसे ऐसी फोटो खींची थी हमने यहाँ पे। और यहाँ से व्यू बड़ा मस्त आता है, हम गर्मियों में आए थे तो धुंध नहीं थी उस टाइम, पर अब बस यार फुद्दू हरकत कर दी किसी ने, लोगों ने बस यार चलो कोई चक्कर, अब क्या कह सकते हैं यार। इधर कूड़ा कड़ा फेंक दिया, फिर पिछली बार आए थे कोई कूड़ा वगैरह कुछ नहीं था इधर, हेलमेट तो आड़ दे, कोई चक्कर नहीं है, रिलैक्स हो जा भाई, चिल्ड। और यहाँ पे पहले ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा था ना, अभी तो बहुत छोटा, अभी थोड़े घास घूस उग गई एक तो, और पाए थे गर्मियों में पूरा नजारा दिख रहा था यहाँ का, धुंध नहीं थी उस टाइम, पहाड़ पूरे एकदम मस्त है, हरे कलर के पहाड़ है। और ये पूरी रोड जा रही है अपना शिमला को जाती है, वागे कसोली, सोलन, फिर शिमला। मैं इस जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल मैप्स का लिंक है, अगर आपने कभी आना हो तो आ जाना भाई, ठीक है। मर्जी है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा आने का, ठीक है। पहले यार जगह मस्त थी, चलो जो आना था हो गया, पर अब धूप आ गई है। और मैंने जितने कपड़े पाए ना आज, मैंने पूरी सर्दियों में कपड़े नहीं पाए अब लग रहा है हाँ भाई सर्दियाँ आ गई, तो क्योंकि मेरे को था कि रिस्क है आगे जाना ऐसे ठंड में, और टेम्परेचर यहाँ का है मिनिमम 1 डिग्री, मैक्सिमम 12 डिग्री, अभी आगे कसोली में बता रहा हूँ मैं, इतना टेम्परेचर अभी यहाँ पता नहीं कितना। और सही जगह है, मतलब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पर, यहाँ पर इसी हाईवे पे किसी ने वो
ट्रक भर के मुर्गियां फेंक दी थी, मुर्गियों की डेड बॉडीज, और उस बंदे पे इंक्वायरी हो रही है जिसने फेंकी थी, क्योंकि बर्ड फ्लू है, कोई फार्म वाला ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने 200-300 थी मुर्गियां, वही लेके आ सकते हैं, और बर्ड फ्लू चल रहा है तो भाई मुर्गियां वगैरह मर रही है, तो भाई मुर्गी मुर्गी ना खाए अभी, अंडे उंडे ना खाए, परहेज करे जब तक बर्ड फ्लू ठीक नहीं रहता। पक्षियों का भी कोरोना वायरस आ गया। चलो भाई तो आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज आएगी है, ठीक है। तो अभी हम चल रहे चक्की मोड़, बस पहुंच ही गए, बस वीडियो देखते रहो, बस पहुंच गए, आपको दिखाएंगे, आपका मन खुश हो जाएगा जगह देख के। बहुत हार्ड भाई, बुरे लिखा हुआ, बहुत हार्ड। तो गाइज ये है अपना चक्की मोड़, ठीक है, मैं इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम जाएंगे नीचे, यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पर नीचे आके है अपना चक्की मोड़ वाटरफॉल। तो चलते हैं आप, हम आगे चलते हैं। चलो भाई सुन भाई, तो यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट है, और यहाँ से लगभग आप लगा लो 500 मीटर तो नीचे ही है। मतलब 500 मीटर होगा क्या, 1 किलोमीटर होगा तेरे ख्याल से? हाँ इतना ही होगा, 1 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर पिछले साल आए थे इसी महीने में, मैं सोनू भाई और पंकज भाई, दोस्त है, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, पंकज भाई के चैनल के ऊपर होएगा। तो अब चल रहे हैं, बस जगह मस्त है यार, तो सब गाड़ी वगैरह सब उधर ही जा रहे हैं, जगह मस्त है, कॉलेज स्टूडेंट वगैरह सबके लिए आते हैं लोग। बाकी बंदे के ऊपर होता है यार, कभी बाइक पे डिपेंड नहीं होता कि आप पहुंच सकते हो कि नहीं, बंदे पे डिपेंड होता है, बंदा कोई भी बाइक ले के आ सकता है अगर बंदे में दम हो, इसी बात है। फिर अपना पुल, छोटा सा ब्रिज है, और ये नीचे अपना नेचुरल वाटरफॉल दिखेगा पुल क्रॉस करके। तो मंदिर से आपने राइट होना है, आपको गाड़ी रोड मिल जाएगी। तो ये है अपना चक्की मोड़ वाटरफॉल। तो पानी थोड़ा कम दिख रहा है, जबकि पिछली बार हम इसी टाइम आए थे यहाँ पे जनवरी के महीने में ही, और उस टाइम पानी बहुत था यहाँ पे, अब थोड़ा सा कम दिख रहा पानी। तो यहाँ पे है ऑफ रोडिंग खतरनाक वाली, ठीक है, अगर आप कच्चे खिलाड़ी हो तो मत आना, अगर आप पक्के खिलाड़ी हो फिर जरूर आना। तो देखो, अगर आप कच्चे खिलाड़ी हो आप ऐसे फंस जाओगे, अगर आप मेरी तरह पक्के हो तो आ जाओगे आराम से। तो आगे हम नेचर में एकदम, देखो कितनी सी जगह है, बंदा ना बंदे की जात अभी कोई नहीं है, वरना लोग होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप ना टायर का बर्नआउट मार के बाइक धो सकते हो। कोई नहीं, इधर लगा दे, मत कर, इधर लगा दे, इधर ही लगा दे, उधर जा आराम से, रिलैक्स। मैं तो कह रहा कहीं पक्की जगह पे लगा दे यहाँ ही हूँ, क्योंकि ना बाइक फिसल के आगे ना चल जाए। मैं तो लगा दे फिर भी यार, कुछ नहीं पता। गाइस जगह देखो यार, बताओ कमेंट करके कैसी लगी जगह, ठीक है। और इस जगह का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हम ही है इधर, वरना आते हैं यार लोग होते हैं इधर। बाइक को पूरा जुगाड़ मेट बना रहे हैं, सामान सुमन रखने का, देखो दस्ताना देखो कैसे पाए हैं, सिंह बन गए, 12 सिंगा बन गई बाइक। पहले बाइक का छोटा थी छोटा, अब ये बन गई है 12 सिंगा। तो सोनू भाई कैसी लगी भाई जगह? एंड माइंड फ्रेश हो गया देर बाद आके। तो यार एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, मैं इस दिसंबर में ना अपना जो मेरा घर है वो आ गया था कंटेनमेंट जोन में, और मैं दिसंबर 15 से लेके जनवरी 11 तक घर बैठा हूँ, ठीक है, एक तरह से लॉकडाउन में बैठा हूँ। तो मेरे को पता है ऐसी तैसी होगी थी घर बैठ के, और पता नहीं यार मेरा घर ही क्यों कंटेनमेंट जोन में आया, जबकि हमारी जो लाइन में उसमें 1-2 केस आए थे, उस चक्कर में पूरी लाइन को ना वो कर दिया, कंटेनमेंट जोन बना दिया, तो करके घर बैठना पड़ा, तो करके लोग आ नहीं रहे थे। लोगों ने यहाँ बोतलें घेरी हुई है, तो थोड़ा पैर पूर ध्यान से रखे, और जूते अच्छे से पाके हैं ज़रा, ठीक है, मतलब अगर आप चप्पल वगैरह या सैंडल वगैरह में आ रहे हो फिर दिक्कत हो सकती है।
आ गया मैं अभी। गाइस इमेजिन करो अगर आप यहाँ पे हो और कोई जंगली जानवर आ जाए, चीता वगैरह, भालू वगैरह। सुनो भाई, जानवर जुनवर होते हैं इधर, चीता वगैरह आ जाए फिर। या मौसम भी ठीक है, ठंडा ठंडा मौसम है और ठीक है, धूप अच्छी है। आजा सोनू भाई, तो काफी लंबे एरिया में जगह है ये वाली, और पिछली बार हम आए थे तो काफी लोग थे यहाँ पे, लोग गाड़ी तक लेके आया था, गाड़ी यहाँ पर लगा के आप बैठ सकते हो। और क्या है, अब हम बनाएंगे इंस्टाग्राम रील्स। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर करना, ये नहीं मेरी आईडी और सोनू भाई की आईडी, और मैं भी देखता हूँ अगर मेरी अच्छी रील बन गई तो पा देंगे इंस्टाग्राम पे। तो सोचते हैं कैसी क्रिएटिविटी दिखाएं। भाई बच गया। अच्छा वो भी करेंगे, वही खंड वही तो करना पड़े भी सेम। हाँ तो जा जान से आ जा। गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है इंस्टेंट मैगी और थर्मस की बोतल विद गर्म पानी, तो यहाँ पर हम बना के मैगी खाएंगे और हम जो वेस्टेज है इसका जो रैपर है वो साथ लेके जाएंगे, बैग में डाल के लेके जाएंगे, क्योंकि यार हम स्विफ्ट अपना साफ सफाई प्रमोट करते हैं यहाँ, नहीं कि ऐसे नहीं कि फेंक दिया। यहाँ पर देखो बोतलें गिरी हुई है। यही था चक्की मोड़ वाटरफॉल, ठीक है, तो मस्त जगह है, दिल खुश हो गया। मैगी खाई हमने और टेस्टी थी, मज़ा आ गया, ठीक है। तो सोनू भाई ने तो फर्स्ट टाइम खाई थी ये वाली मैगी, ऐसे तो नॉर्मली मैगी घर पे बनाते रहते हैं हम सब, बट सोनू भाई ने इंस्टेंट मैगी फर्स्ट टाइम खाई। सोनू भाई कैसी लगी भाई? सही थी, काम सारने के लिए सही है, काम चल जाता है। हाँ। बंदे का इंस्टेंट अगर कहीं घूमने गया या इसलिए बंदा एकदम बना के खा सकता है, कहीं पर शॉप नहीं है, दुकान नहीं है तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी लोकेशन की जगह डिस्क्रिप्शन में है तो जरूर चेक करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।